नहीं कर रहा है, हम लोग इसको रिक्रूटमेंट रूल को थोड़ा चेंज लेने के लिए मांग कर रहा है। मीटिंग, बहुत मीटिंग करने के बाद हम लोग ने एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ फॉस्टल सर्विस। 596 जो पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया था पोस्ट मास्टर के लिए, तो इसका ऊपर मैं आप लोग का आज मीटिंग बैठा था, और कौन कौन सा आप लोग रिप्रेजेंटेटिव था आप लोगों का मीटिंग में, उसको आप थोड़ा सा बता दीजिए, और क्या क्या मीटिंग पे डिसीजन इस लिया ऑफ गया। मीटिंग, बहुत मीटिंग करने के बाद हम लोग ने एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ फॉस्टल सर्विस ईटानगर ब्रांच का। तो हम लोग चार पॉइंट उसमें चार पॉइंट मेमोरेंडम सबमिट किया। यहाँ अरुणाचल में 866 ब्रांच पोस्ट ऑफिस खुलने जा रहा है, और उसमें 2596 पोस्ट है। उसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, और डाक सेवक है, और बहुत सा है। तो उसका ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो गया। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हम लोग का जो अरुणाचल का अनएम्प्लॉय लोग मालूम नहीं है, और मैक्सिमम जो है बाहर से है, आउट ऑफ द स्टेट है। और यहाँ में रिक्रूटमेंट हम लोग का स्टेट का रिक्रूटमेंट रूल भी फुलफिल नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया था आज ये 4 तारीख को। और उसका बाद भी ये लोग ने प्रोसेस को जारी रखा है, कंटिन्यूटी रखा है। हम लोग उसको हेल्डिंग करने के लिए बोला था, रुकने के लिए, रुकाने के लिए, ये रुकाया नहीं है। इसलिए हम लोग 8 तारीख को एक रिप्रेजेंटेशन पर दिया है, रुका के रखो, ताकि हमारा 2569 फोर्स जो है हमारा अरुणाचल का यूटी मिलना चाहिए। हम लोग ये सोचते हैं ये हमारा यूट जो डिफ्राइड नहीं होना चाहिए। तो आज इसलिए बाहर से ऑफिशियल डिफ्यूट किया गया है, असिस्टेंट डायरेक्टर शिलोंग से आया है, उसका साथ हम लोग बात किया है, ऑन लेंथ बात किया है, डिस्कस बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन किया है, और अभी तक सोल्यूशन नहीं आया। हम लोग को 4 बजे तक, आज का 4 बजे तक हम लोग कुछ ना कुछ सोल्यूशन, कुछ रिप्लाई देगा बोला है। ये है आज का मीटिंग। थैंक यू वेरी मच। सर, आप लोग जैसे कि अभी अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट में आप लोग इतना चेंजेस मांग रहे हैं, आपको मालूम होगा कि पोस्टल डिपार्टमेंट में डायरेक्टर भी नहीं है, जिसका कारण एसपी जो है इसका मेजर डिसीजंस लेते हैं और बहुत ज़्यादा डिसीजंस भी नहीं ले पाते, तो आप लोग डायरेक्टर के लिए कुछ आप लोग मांग कर रहे हैं कि नहीं। नहीं, डायरेक्टर के लिए मांग नहीं कर रहा है। हम लोग इसको रिक्रूटमेंट रूल को थोड़ा चेंज लेने के लिए मांग कर रहा है, क्योंकि बाहर का रिक्रूटमेंट रूल में ऐसे है, लोकल लैंग्वेज होना है। हमारा यहाँ लोकल लैंग्वेज नहीं है, लोकल डायलेक्ट है। तो हम लोग ये चाहता है कि ये इंटेलिजेंट ब्यूरो ऑफ रिक्रूटमेंट में एक वहाँ में एक रिक्रूटमेंट रूल बनाया है, इंटेलिजेंट ब्यूरो लोग वहाँ में जो स्टेट ऑफ अरुणाचल के लिए लोकल डायलेक्ट है, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज नहीं है। यहाँ अपातनी अपातनी चलता है, निसी निसी चलता है, गलो आदि मिसमी तंगसा नोक्ते कमती अपना अपना ऑन है। क्योंकि इसलिए हमने चाहता है कि वहाँ में रिक्रूटमेंट रूल थोड़ा चेंज लाओ, वहाँ में एक तो लोकल डायलॉग लगाओ, क्योंकि असमीस मिलने वाला, असमीस बोलने वाला असम में बेनिफिट होता रहा है, असमीस लोग बेनिफिट होता रहा है, मिजोरम में मिजू लैंग्वेज का बेनिफिट होता रहा है, अपना अपना स्टेट में अपना अपना बेनिफिट होता रहा है। तो है हमारा अरुणाचल में इंग्लिश और हिंदी को लगा के बाहर का बेनिफिट दे रहा है, हम लोग का नहीं मिल रहा है। इसलिए यहाँ में लोकल लैंग्वेज होना है, इसलिए हम लोग रिक्रूटमेंट रूल को चेंज करो बोल रहा है।